यूपी का बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती मामला एक बार फिर से सियासी बवाल का रूप लेता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की लखनऊ डबल बेंच के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नई सूची तैयार करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने के संबंध में हाई कोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी है, जिसमें 6,800 अभ्यर्थी शामिल थे। अब इस मामले पर एनडीए के सहयोगी अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। अनुप्रिया पटेल ने ऐसा रिएक्शन दिया है जो यूपी में उनकी सहयोगी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ही एक तरह से दबाव बनाने जैसा है। अनुप्रिया पटेल ने इस मामले में ओबीसी अभ्यर्थियों का पक्ष लेते हुए योगी सरकार से खास मांग कर डाली। इस मामले को लेते हुए अनुप्रिया पटेल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर अस्थायी रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है तथा अगली सुनवाई में दोनों पक्षों के मामले के संबंध में अपनी अपनी दलील पेश करने के लिए कहा है। जहां तक अपना दल एस का सवाल है तो पार्टी इस मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है। इस मामले पर अनुप्रिया पटेल ने एक के बाद एक कई पोस्ट किए। अपनी दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा, हमारी पार्टी का प्रारंभ से मानना है कि 69,000 भर्ती के मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, जिसकी पुष्टि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नई सूची जारी करने का आदेश देकर की थी। हम अब भी इस मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। हम न सिर्फ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की हक की लड़ाई पहले की तरह जारी रखेंगे, बल्कि वादे के मुताबिक इस मामले को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए हर संभव कानूनी मदद देना भी जारी रखेंगे। इसके आगे अनुप्रिया पटेल ने एक और पोस्ट की और उसमें लिखा, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को अन्याय का शिकार हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया से अलग उत्तर प्रदेश सरकार को राजनीतिक रूप से तमाम उपलब्ध विकल्पों में से सबको स्वीकार एक ऐसा विकल्प लागू करना चाहिए जिससे किसी भी पक्ष के साथ अन्याय ना हो। और हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती में अन्याय का शिकार हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी निराश ना हो। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के विस्तृत अध्ययन के लिए सिर्फ अस्थायी रोक लगाई। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगस्त में राज्य सरकार को 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट की बेंच में दायर 90 विशेष अपीलों का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया गया था, जो पिछले वर्ष 13 मार्च को एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दे रहे थे। अब हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने रवि कुमार सक्सेना और 51 अन्य द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव सहित अन्य को नोटिस भी जारी किया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।